हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं मुझे खुद भी नहीं पता इसलिए कि ये रेसिपी मेरी अपनी ही याद करता है, तो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं भी इसका कोई नाम सजेस्ट करूं, और आप भी कमेंट सेक्शन में इसका कोई नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। इसको कहते हैं कि और चीज़, गार्लिक, चिकन और इस तरह का सैंडविच कह लें, या फिर गार्लिक ब्रेड कह लें, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड कह लें, क्योंकि गार्लिक ब्रेड भी होगी और स्टफ्ड भी होगी। तो बच्चे लंच में भी खा सकते हैं, या आप बड़े भी लंच में भी खा सकते हैं, और चाहें तो सुबह को लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर आप नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा इसका। तो हमें चाहिए सबसे पहले तो 4 ब्रेड स्लाइसेस। ये मेरे पास 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं। 2 स्टफ ब्रेड बनेंगे इससे, गार्लिक ब्रेड। और इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। हमें चाहिए बटर। वैसे मैं तो घर का बटर यूज़ कर रही हूँ, तो ये सॉल्टेड नहीं है, तो इसलिए मैं रेसिपी में थोड़ा सा नमक यूज़ करूँगी। अगर आप बाज़ार का बटर यूज़ करें और उसमें नमक शामिल हो, तो बिलाशक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या नमक ना यूज़ करें, या बाद में थोड़ा सा डाल लीजिएगा। मेरे पास चिकन टिक्का मौजूद था, तो उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा काट दिया है। ओरिगनो, स्प्रिंग अनियन, बॉइल्ड कॉर्न, लहसुन, लहसुन के मेरे पास 4 जवे हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए, ऑलिव्स, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप थोड़ा मजीद स्पाइसी पसंद करें तो थोड़ी सी आप उसमें ब्लैक पेपर भी यूज कर लेंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा व्हाइट पेपर भी यूज कीजिएगा, इससे थोड़ा सा और मज़े का हो जाएगा। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है, हमें बटर में जो गार्लिक हमने बिल्कुल बारीक काटा था वो शामिल कर देना है, और इसके साथ ही हमें इसमें थोड़ा सा ओरिगनो पाउडर, अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास कोरिएंडर लीव्स नहीं है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हमें जरूरत होगी कुछ श्रेडेड चीज की। सबसे पहले हमें एक बोल लेना है, इसमें हमने चिकन डाल देना है, ओलिव्स भी डाल लीजिए, कॉर्न डाल लीजिए, स्प्रिंग अनियंस डाल लीजिए, आपकी पसंद है वैसे ये अच्छे लगेंगे, चिली फ्लेक्स थोड़े से आएंगे, थोड़ी सी व्हाइट पेपर डालेंगे, स्लाइस लेंगे। और ब्रेड स्लाइस पर हम पहले ये जो हमने बटर, गार्लिक बटर रेडी किया था, हम वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत मोटी तय आपने नहीं लगानी, ये हमने बटर सारे स्लाइस पे स्प्रेड करना है। हमने जो तमाम अपनी चीज़ें, ये चिकन और सब सैलेड मिक्स किया था, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसके ऊपर चीज स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह से हमने बटर दूसरे स्लाइस पर भी स्प्रेड किया है, और इसके ऊपर रख के इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। अगेन हमें बटर की एक हल्की सी लेयर इसके ऊपर स्प्रेड करनी है, बिल्कुल इक्वली स्प्रेड कर देंगे। एक पैन हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रेडी करेंगे,
और अपना सैंडविच हम जिस तरफ से बटर लगाया था उस तरफ से नीचे रख देंगे और बस इसके ऊपर भी हमें हल्का सा ये गार्लिक बटर लगाना है। अगर आप ज़्यादा बटर यूज़ नहीं करते, पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हेल्दी ही बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बटर ना यूज़ करना चाहें तो आप इसी को सैंडविच मेकर में या फिर आप ओवन में रेडी कीजिए तो ये बहुत अच्छा सा बनेगा। फिर आपको ये अंदर वाला मक्खन नहीं लगाना पड़ेगा, या आप अंदर मक्खन ना यूज़ करें, बस ऊपर ही यूज़ करें। एक साइड से हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो हमें इसे पलट देना है और साथ ही इसे कुछ सेकेंड्स के लिए हमें कवर कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 4-5 सेकेंड्स हो गए हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है हमारा, बहुत ही मज़े का चीज़ी ब्रेड रेडी है। हल्का सा शाइन के लिए सिर्फ मैंने मक्खन वाला ये स्पून ही लगाया है, मक्खन नहीं लगाया। और थोड़ी सी हर्ब्स आप स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, ओरिगैनो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें से चीज भी होगी और ये बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा फ्लेवर भी बनेगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पे भी तो मेरे वो वाले भी लाइक जरूर करना।